Gurugram, the Vishu Hindu Parishad has started an initiative to help the Hindu society by providing a helpline number. This step was taken in order to protect the Hindu society, in which any people can seek help who is going through any sort of religious harassment or trouble. The members of the organization also mentioned the need of arms license in order to defend themselves. Vishu Hindu Parishad also mentioned that they will protect the society by balancing with the administration, and in which the helpline number issuing is very important for the organization. Hamara Hindu samaj kahin na kahin aisa na soche ki wahi वो कोई भी व्यक्ति अगर कोई सकारात्मक बात के लिए किसी के पास किसी के अगेंस्ट कोई हमारे कोई जिहादी आदमी उस पर आक्रमण करता है या कोई जिहादी मानसिकता के व्यक्ति कोई गलत टिप्पणी करता है या गलत जो कोई सोशल मीडिया पर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके खिलाफ हम सब मिल करके कानूनी लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे और अपने हिंदू भाइयों का कोई मनोबल कोई कमज़ोर हुआ है तो उनको मनोबल कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है. हर हिंदू पूरे देश का उसके साथ खड़ा है. यही आज का प्रेस वार्ता का विषय है. कोई मोबाइल नंबर भी इसके लिए जारी किया गया है? हाँ, के लिए ये हेल्पलाइन के लिए ये मोबाइल नंबर है. हमने जो आज इसमें दिया है आपके प्रेस नोट में 9728642702, ये तो नंबर है, लेकिन पूरा विश्व हिंदू परिषद, पूरा हिंदू समाज अब इसको जो जिहादी मानसिकता है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा. सारी तरह की सहायता प्रोवाइड, कानूनी, व्यक्तिगत, आर्थिक, जो भी तरह की उसको सहायता की ज़रूरत होगी वो दी जाएगी. अगर आपके जान माल पे कोई खतरा आ जाए तो आप अपनी आत्मरक्षा पे हथियार चला सकते हो, और आप कानूनी प्रक्रिया से कोई हथियार रखना चाहते हैं तो आपके लिए कोई बंदी नहीं है. किसी भी व्यक्ति के लिए वो रख सकता है. गैर कानूनी तरीके से कोई भी हथियार अपने पास नहीं रखेगा. कानूनी प्रक्रिया में कोई दिक्कत है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो उसको कानूनी प्रक्रिया से कोई भी लाइसेंस किसी को भी मिल सकता है. अगर कोई संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति है, अब बहुत से ऐसे सुनने में आ रहा है हरियाणा में कि रोंगियाओं की एंट्री हो रही है, तो विश्व हिंदू परिषद अपनी तरफ से ये ऐसा सरकार से भी आग्रह करेगा कि जहाँ जहाँ इस तरह के पॉकेट हैं वहाँ उनकी इंक्वायरी की जाए, ये कब से यहाँ पे एंटर कर रहे हैं. कुछ अपनी तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग, मुझे थोड़ा सा अभी रिलायबल सोर्सेज से पता लगा है कि रोंगियाओं को जो है यहाँ ला करके बसाया जा रहा है, तो हम उनकी जो है अपनी सरकार से आग्रह करेंगे और इलाका के SP से भी आग्रह करेंगे कि उनकी जांच पड़ताल करी जाए, उनकी इंक्वायरी की जाए कि कौन लोग कब एंटर कर रहे हैं, इस तरह से उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं. बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं.